मेरे एक YouTube फ्रेंड ने मेरे को इन्फॉर्मेशन भेजी है रिगार्डिंग रेलवे जो कि 15 तारीख से चलेंगी या नहीं चलेंगी, उनकी कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं। जैसे ही 14 तारीख को ये लॉकडाउन खत्म होगा और 15 तारीख से जिन जिन लोगों ने रिजर्वेशन पहले करवा रखा है उनका अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, तो इस तर्ज पर हम एक कयास लगा सकते हैं कि रेलवे रेल्स को वापस चलाएगी। और इसके लिए आपको मैं बता देना चाहूँ कि रेलवे ने पूरे भारत को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला है रेड, दूसरा है येलो, फिर तीसरा है ग्रीन। तो जो सिटीज, मेट्रो सिटीज और जो स्टेट रेड जोन के अंदर आएंगे वहाँ पे ट्रेन नहीं चलेंगी बिल्कुल भी, और जो एरिया आएगा येलो में वहाँ पे कुछ ही ट्रेन वहाँ पे चलाएंगे, कुछ ही एरिया वाइज में ट्रेन चलाई जाएंगी। और तीसरा रहेगा ग्रीन, जहाँ पे रेलवे ये डिसाइड करेगा कि ये स्टेट ग्रीन एरिया में आता है तो वहाँ पे फुली हर जगह ट्रेन चलेंगी। और आपको मैं बता देना चाहूँ कि इसमें वही यात्री यात्रा कर पाएंगे जिसके पास रिजर्वेशन पहले से उसका करवाया होगा, और आपको प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन पे 4 घंटे पहले जाना पड़ेगा। जैसे कि हम एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं उसके आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और आपको आपकी पूरी जाँच पड़ताल की जाएगी। और रिजर्वेशन रेलवे ने इसलिए लागू किया है बिकॉज कि इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोरोना का मरीज अगर कोई ट्रेवल कर रहा है रेलवे के थ्रू तो उसकी मतलब उनके पास डिटेल्स आ जाएंगी, तो उनको क्वारंटाइन करने में, उनका इलाज करने में रेलवे को उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। और इसके रेलवे के यात्रा के दौरान जो बंदा बिना रिजर्वेशन, पहली बात तो पॉसिबल है नहीं, फिर भी अगर कोई चले भी जाए तो उसके पास मास्क होना चाहिए, वो ज़रूरी है। अगर उसके पास मास्क नहीं रहेगा और सैनिटाइजर नहीं रहेगा तो उसको रेलवे जो यात्रा के दौरान वो अगर चेकिंग के टाइम पकड़ा गया बिना मास्क तो उसको उसी टाइम नेक्स्ट स्टेशन पे उसको उतार दिया जाएगा। और इस दौरान कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं घूम सकता कि किसी को हम छोड़ने जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो कोई प्लेटफॉर्म टिकट्स लागू नहीं है अभी तक। और पूरी एक अंदरूनी आपको मैं बात बता देना चाहूँ कि हो सकता है कि सिर्फ कोलकाता में ही ट्रेन चलाई जाए बिकॉज और पूरे भारत में ऐसा मुझे जहाँ तक मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ से कि कोलकाता को छोड़ के कोई मेट्रो सिटीज़ में मैं बात करूँ तो कोई भी ट्रेन नहीं चलेंगी। जैसे मुंबई होगी, बेंगलोर हो गया, चेन्नई है, देन उसके बाद में ये दिल्ली है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेन मेरे हिसाब से अभी तक नहीं चलेंगी। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए रेलवे ने ये किया है कि जो बोगी के अंदर जो मिडल बर्थ था उसमें कोई भी यात्री टिकट अपनी बुक ना करवाए। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँ कि आप मिडल बर्थ अपनी ना बुक कराएं तो ही फ़ायदा होगा बिकॉज मिडल बर्थ में ट्रेवल करना किसी को अलाउड नहीं है। तीसरा है मास्क, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है रिजर्वेशन करवाना, दूसरा मिडिल बर्थ में कोई अपनी टिकट बुक ना कराए, तीसरा है मास्क। और जिस टाइम पे भी आपको पहुंचना है, आपकी ट्रेन का टाइम टेबल, अभी कोई भी ट्रेन का टाइम टेबल, जैसे हमारे सादुलपुर से कोई 1 बजे ट्रेन चलती थी या बीकानेर से कोई भी ट्रेन जिस टाइम पे चलती थी वो ट्रेन उस टाइम पे नहीं चलेंगी, तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। जब आप टिकट बुक कराते हैं ऑनलाइन तो उसी टाइम आपको पता लगेगा, एक नया टाइम टेबल आपको मिलेगा आपकी ट्रेन के लिए। और यह बात सामने तब आई है जब रेलवे के जो अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक प्रोटोकॉल तैयार किया है, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, तो उसी हिसाब से ही वो ट्रेनें वहाँ से चलेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेड जोन का मतलब ये है जहाँ पे जो कोरोना के जो स्पॉट, रेड स्पॉट मिले हैं पूरे भारत में, जैसे कि भीलवाड़ा हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर कोई बिहार में, चाहे राजस्थान में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे इंदौर आप ले लो, चाहे मुंबई ले लो, तो वो ट्रेनें उस उन्हीं स्टेशनों से गुजरेंगी, बट वहाँ पे कोई ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। ये रेलवे अधिकारियों का प्रोटोकॉल है अभी तक कि जहाँ पे कोरोना के पेशेंट ज़्यादा हैं वहाँ पे ट्रेनें नहीं रुकेंगी और अगले स्टेशन पे जाके ट्रेनें रुक सकती हैं, बट इन स्टेशनों के लिए अभी तक कोई ट्रेन नहीं है। तीसरा, सबसे लास्ट बात मैं आपको बता देना चाहूँ कि इसमें जो सिर्फ स्लीपर क्लास के जो कोचेस हैं वही इस टाइम रेलवे लागू कर रही है अपनी पूरी रेलवे के लिए। इसमें कोई तो फर्स्ट एसी नहीं रहेगा, ना सेकंड एसी रहेगा, ना थर्ड एसी रहेगा, तो कोई एसी टायर नहीं रहेगा। दूसरा, आपको अपना ब्लैंकेट,
और अपने पिलो वगैरह खुद ही को लेके जाने पड़ेंगे, बिकॉज रेलवे इस टाइम कोई चीजें प्रोवाइड नहीं कराने वाली। और आप कुछ दो तीन दिन का वेट करें जिससे और रेलवे क्या इन्फॉर्मेशन देती है उसी के थ्रू आप अपना ऑनलाइन जो टिकट बुक करवा सकते हैं। और उसका आप सबसे पहले अपना एरिया पता करें कि आपका रेड में आता है, येलो आता है या ग्रीन है। और कोई नई इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है तो मैं 100% वो वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो मेरे थ्रू आपको चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने कोई फेक नहीं है, ये मेरा बहुत ही रेलवे का बड़ा खास मित्र है जो कि यूट्यूब चैनल चलाता है, उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है। सो आप प्लीज़ मेंशन करें कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है। और आप अपनी अच्छी जानकारी के लिए आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू माय व्यूअर्स। और हैंड सैनिटाइजर आप बार बार करते रहें इस तरीके से तो वो भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। सो गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।